अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरा किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू वीडियो, चीज़ी मोमोज और स्प्रिंग रोल। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी मोमो, मोमोज यानी, तो उसके और थोड़े से हम रोल भी बनाएंगे चीज़ी। तो उसके लिए हमने जो रोल के लिए मैदा लिया है वो हमने सिर्फ एक बाउल लिया है, शीशे वाली जो प्याली होती है बस एक बाउल लिया है वो। और ये हमने काटी है सब्ज़ी, जिसमें हमने गाजर लिया है और सागे वाली हरी प्याज ली है 3, और गाजर ली थी हमने करीब 4 गाजर ली थी जो हमने बारीक, ये देखिए सब बारीक से जो है काट लिया है चॉपर से। और चटनी के लिए हमने ये जो लिया है लहसुन, जो हमने अच्छे से इसको थोड़ा सी पहले ही भून लिया था, छिलका मतलब लगा हुआ उसको फिर छील लिया है, उससे ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है। और थोड़ी लाल मिर्ची ली है हमने, वो आप अपने हिसाब से चटनी जितनी आपको पीसनी है वो अपने अंदाज से आप पीसें। और ये हमने टमाटर लिए, जिसकी हमने हल्का टमाटर को भी थोड़ा सी गैस पे भून के इसकी स्किन उतार दी है। ये सोया लिया है हमने, जो हमने भिगो दी थी, अच्छे से फूल चुकी है, ये भी एक बाउल थी जो फूल गए, थोड़ा और ज़्यादा ही हो गई है। अब ये हम पीसेंगे और ये हम कढ़ाई चढ़ाने जा रहे हैं, ये हम फ्राई करेंगे। बस हम थोड़ा ही सी ऑयल डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है बस। इसमें सारी हम सब्ज़ी डाल देंगे, और सब्ज़ी में आप अगर आपके पास जो हो, शिमला मिर्च अगर है आपके पास वो डाल दें, जो चीज़ भी है मतलब आप डाल सकती हैं। हमारे पास यही था इस टाइम, तो हमने गाजर और खाली इसमें हरी वाली प्याज सागे वाली वो 3 काटी हुई कट कर लिया था चॉपर की मदद से, और गाजर लिया बस। अब इसमें हम 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई, बस 1/2 चम्मच इसको डालना है, और 1/2 ही चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, और इसमें हम नमक डालेंगे। ये सोयाबीन हमने ली थी, ये सब पीस के इसी में हमने डाल दी, लेकिन इसको थोड़ा जो है एकदम फाइन ना पीसिएगा, ये देखिए थोड़ा सी दरदरा रखिएगा। अब इसको हम अच्छे से जो है पका लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें मेयोनीज डालेंगे, इससे और टेस्ट जो है बढ़ जाएगा। करीब हमने इसमें 2 जो है टेबलस्पून जो है मेयोनीज डाली है। बस हम यहीं पे गैस ऑफ कर देंगे, ये हो गया है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है ना, बस थोड़ा सी ऑयल डालेंगे इसमें, हमने नमक डाल लिया है इसमें। अब इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे हाथ से अच्छे से, ये देखिए मुट्ठी बन रही है। बस अब हम यहीं पे इसको थोड़ा सा पानी डाल के बस गूंद लेंगे, बस ज़रा सी पानी डाल के हम इसको गूंद रहे हैं अच्छे से। इसका जो हम डो तैयार करेंगे ना, ये तो टाइट ही रखिएगा, अच्छे से गूंदना है इसको खूब। ये देखिए एकदम हो गया है, अब इसे हम हटा लेंगे। अब मोमोज के हम जो है इसके मोमोज के लिए आटा गूंदेंगे, मैदा यानी, ये हमने ले लिया है मोमोज के लिए, इसमें हमने नमक भी मिक्स कर लिया है। अब ये हमने 200 ग्राम लिया है मैदा, अब इसे हम गूंद लेंगे अच्छे से। और जब भी गूंदे मतलब मैदा ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एकदम से ना डाल देना, गीला हो जाएगा। बस थोड़ा सी इसमें हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से पूरा हम इसमें ऑयल कर देंगे, सारा ऑयल इसमें, ये देखिए अच्छे से ऑयल इसमें जो है एब्जॉर्ब हो गए। बस यहीं पे अब हम रोक देंगे इसे, इसको बेल लेंगे, इतनी बड़ी हमने लोई ली है इसकी पेड़ा, अब इसे हम बेल लेंगे अच्छे से। ये हमने रोल के लिए जो है जो गूंदा था मैदा वही है, ये पहले हम इसके रोल बना लेंगे फिर मोमोज बनाएंगे। अब इसे हम छुरी से ऐसे कट कर लेंगे, और ये हमने
आधा चम्मच जो है मैदा जो है लिया था, जो हमने ऐसे घोल बना लिया है इसको चिपकाने के लिए, ठीक है, हमने ऐसे बीच में रख लिया है थोड़ा सा। अब इसको हम हल्के हाथ से रोल कर देंगे और जो हमने पेस्ट तैयार किया था मैदे का वो लगाएंगे बस। अब इसको हम यही छुरी से काट देंगे। दो तरीका हम आज आपको बताएंगे किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से साइड से दबा देंगे, ये हम इसमें चीज डाल रहे हैं, ये अमूल, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से, चिपका देंगे। इसमें थोड़ा में हमने चीज डाली है, थोड़ा में नहीं डाली क्योंकि कुछ बच्चे खाते हैं कुछ मेरे यहाँ नहीं खाते हैं। ये दूसरा तरीका है, बस इसमें बाद में आप पूरा पूरा ऐसे ही तल लेंगे, बाद में जो है फ्राई कर लेंगे, बाद में छुरी से काट लें। अब हम इसको, इसमें हमने चीज डाली है, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे अच्छे से। अब इसमें हमने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सी जो हमने घोल बना के रखा है मैदे का पेस्ट उसको हल्का सी लगा दिए कि ये पैकेट की तरह तैयार हो जाए, खुले ना फ्राई करने में। बस सारे मेरे बन गए हैं, ये लास्ट है, इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे हम। ये मोमोज के लिए हमने पेड़े बना लिए, अभी हम बेलेंगे। सारे हमें ऐसे ही बना लेने हैं। ना पूरा पूरे जो है ना ताकत समझ लीजिए, इसको दबा दिए प्रेशर दे के, वरना ही खुल जाएंगे। सारे ऐसे ही हमें बना लेने हैं। थोड़े में हम चीज भी डालेंगे, ये हमने पानी रख दिया था, ये स्टीम भी अच्छे से बन गई है, हम इसमें मोमोज रख देंगे सारे। हम इसकी लीड बंद कर देंगे, इसको अच्छे से स्टीम होने देंगे। हमने जो है इसमें ऑयल चढ़ा दिया है, थोड़े से हम उसमें जो है स्प्रिंग रोल थोड़े फ्राई करेंगे। ये देखिए हो गए अच्छे से, इनको निकाल लेंगे। अच्छे से हो गए, इनको हम थोड़ा सी पलट देंगे दोनों साइड से, अच्छे से ये हो जाए। सारे हमने पलट दिए, फिर से लीड लगा देंगे इसे। बस ये हम गैस ऑफ कर देंगे यहीं पे, ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं, अभी इन्हें निकाल लेंगे। अभी इन्हें हम कट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने, एकदम आवाज आ रही है आपको, ये देखिए एकदम चीजी। एक बार आप लोग जरूर मेरी तरह बनाएं, ये बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि जब कमेंट करते हैं आप लोग तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब ये भी हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत गर्म है ये। देखिए एकदम रेडी है, और आप लोग ज़रूर मेरी तरह बनाएं। और हमने ये चटनी में ना थोड़ा सा सॉस भी डाला है, टमाटो सॉस, और अगर टमाटो सॉस जैसे आपको टेस्ट ना उतना अच्छा लगता हो आप चीनी भी डाल सकती हैं। और मेरी ये जो है आप वीडियो ज़रूर जो है शेयर भी करा करें, क्योंकि अगर आप हमको शेयर करेंगी लाइक करेंगी तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए अंदर से एकदम चीज़ी बने हैं, और मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा है भैया, मैं तो जा रही हूँ खाने। आप भी इंजॉय करें, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।